नमस्कार दोस्तों, माई होप चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे मैक्रोनी पास्ता बनाने की विधि। तो चलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाते हैं मैक्रोनी पास्ता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किसी बर्तन में पानी गर्म करना है। आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई में या किसी भगोने में गरम करें तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे मैक्रोनी बॉयल करने में चिपकती नहीं है। तो देखिए, हम यहाँ पे पानी गरम कर रहे हैं और जब पानी गरम हो जाए अच्छे से, तब हम उसमें मैक्रोनी डालेंगे। तो जब पानी गरम हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक थोड़ा डालना है, 1/2 टीस्पून नमक डालना है। और नमक के बाद हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, रिफाइंड ऑयल डालने से मैक्रोनी आपस में चिपकती नहीं है। तो ये डालने से थोड़ा अच्छा रहता है कि मैक्रोनी चिपकेगी नहीं तो अच्छी बनेगी। और अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये देखिए, मैक्रोनी हमने डाल दी है। अब हमें मैक्रोनी को बॉयल करके पकाना है। तो मैक्रोनी जब हमारी बॉयल हो जाएगी तभी आगे फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, अब हमको मैक्रोनी को पकाना है। लगभग 5 से 10 मिनट तक हमें मैक्रोनी को बॉयल करना है। और अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी मैक्रोनी पक गई है कि नहीं। तो ये देखिए, मैक्रोनी लगभग पक चुकी है। तो अब हमको इसे किसी छन्नी से छान लेना है। तो ये देखिए, ऐसी स्टील की छन्नी हो तो ज़्यादा ठीक है। तो अब हम इसमें मैक्रोनी छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी को हमने छान लिया है। और जब हम छान लेंगे तो इसमें हम तुरंत ही ठंडा पानी थोड़ा सा डाल देंगे। इससे मैक्रोनी चिपकेगी भी नहीं और जल्दी ठंडी हो जाएगी, जिससे कि बनाने में टूटेगी नहीं। तो जब भी हम मैक्रोनी या नूडल्स कुछ भी छानते हैं तो हम इसमें ठंडे पानी ऊपर से ज़रूर डाल देते हैं। ज़्यादा अच्छी बनानी हो, ज़्यादा अगर बिल्कुल भी ना टूटे, तो आप इसको थोड़ी देर रख के बनाएं, ठंडा करके बनाएं, या फ्रिज में भी रख सकती हैं। और अब हम इसमें सब्जी ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें टमाटर चाहिए। आप टमाटर जितना डाल सकें, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें टमाटर अच्छा लगता है। प्याज और हरी धनिया और ये शिमला मिर्च और लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा। तो फ्रेंड्स, इसमें तो जितनी सब्जी डाली उतना ही अच्छा है। लेकिन कभी अगर घर पे अवेलेबल नहीं है और नूडल्स पास्ता खाने का मन है तो हम इसको बना लेंगे। तो इतनी सब्जी से ही हमारा काम चल जाएगा। बाकी अगर जितनी सब्जी ऐड करें, बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता उतना ही अच्छा है। तो चलिए अब हम इसमें आगे की विधि चालू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल, फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा सा कालापन लग रहा है तेल में, रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मैंने इसी कढ़ाई में मैक्रोनी उबाली थी तो ये उसी का कालापन है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में रिफाइंड ऑयल डाल के, या सरसों का ऑयल, जो भी, आप सरसों का तेल तो बहुत ही अच्छा रहता है, पर ये कुछ चीज़ें रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा ठीक बनती हैं। तो उसमें रिफाइंड ऑयल में हमको प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। फिर जितना प्याज डालेंगे, जितनी सब्जी डालेंगे उतना ही अच्छा है। तो हम प्याज हमारा भून जाने के बाद हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी शिमला मिर्च हो, लाल, हरी, पीली, आप इस पे डाल सकते हैं। और भी जो सब्जी, अगर गाजर हो, इस समय गाजर नहीं आ रही है तो हमने इसमें गाजर नहीं ऐड किया है। गाजर ठंडियों में अच्छा, उस अच्छी वाली गाजर आती है, लाल वाली, तो मैं तो ठंडियों में काफ़ी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस समय वो वाली गाजर नहीं आ रही है तो मैं इसमें गाजर नहीं यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें टमाटर डाल दिया। और देखिए, टमाटर को भी 2 मिनट भून के, जब गल जाए टमाटर तो हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक अब हमें पूरा नहीं डालना है, थोड़ा नमक डालना है, केवल इतनी सब्जियों भर का नमक, क्योंकि इससे जल्दी गल भी जाएंगी और सब्जियों में भी नमक
मिल जाएगा ठीक से, ताकि शिमला मिर्च और टमाटर में फीकापन नहीं लगेगा। तो हम नमक ज़रूर हमें डाल देना चाहिए थोड़ा सा, और जब हमारी शिमला मिर्च और टमाटर हमारा लगभग 75% तक पक जाए, हमें इसको ऐसे पका लेना है ढक के। ये देखिए शिमला मिर्च हमारा पक गया है और टमाटर भी, तो हम इस पे अब मैक्रोनी ऐड करेंगे। फ्रेंड बाजार की वैसे तो मैक्रोनी बहुत खाई जाती है, लेकिन वो काफ़ी तरह से शरीर के लिए नुकसान भी करती है, तो अगर हम घर पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और घर पे आप बना के देखिए, ऐसे बहुत ही अच्छी मैक्रोनी बनती है और बहुत ही आसान तरीका है। बस ये देखिए अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। फ्रेंड जितनी हमने मैक्रोनी बॉयल की थी, हम उतनी नहीं ऐड कर रहे हैं, उतनी नहीं बना रहे हैं, उतनी हम फ्रिज पे रख देंगे, बाकी हम उसको किसी टाइम और बना लेंगे। हमें केवल थोड़ी मैक्रोनी बनानी है, एक प्लेट मैक्रोनी मैं केवल बना रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये अब हमको सब्जी में हमने इसको मिक्स कर दिया है, और हम अब हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये अब हमको इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छे से सब्जी में मिक्स करके चला लेते हैं। फ्रेंड्स टमाटर का आप इस्तेमाल ज़्यादा करें तो अच्छा रहेगा। और ये देखिए हमने इसमें नमक डाल दिया, नमक ध्यान रखना है, थोड़ा सा सब्जी में भी डाला था तो उसी हिसाब से डालें। और ये लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा आप पसंद करें उसके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। फ्रेंड्स अगर ये बिल्कुल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए अच्छे से चला दिया है, और हमें पूरा सब कुछ इसमें अच्छे से मिक्स करके चलाते रहना है, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है। इसको बनाएं और हरी धनिया से गार्निश करके सर्व करें। तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो हमारे अदर वीडियो भी देखें और अपने फैमिली को खिलाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।